बिहार के गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने नगर थाने के कुकुरबुका गांव में गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे बड़ी घटना को अंजाम देते हुए राजद नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना गुरुवार सुबह की है, जब अज्ञात अपराधियों ने राजद नेता सुरेश यादव को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सुरेश यादव को सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक सुरेश यादव आज गुरुवार की सुबह अपने घर के सामने टहल रहे थे, तभी बाइक सवार एक अपराधी ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। इससे वो फर्श पर ही गिर गए। बाद में घर वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार के मुताबिक सुरेश को 3 गोलियां लगी है। उन्हें 1 गोली सीने में और 2 गोली कंधे में लगी है, जिसके बाद तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उधर परिजन इस घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को देने के बाद निजी एम्बुलेंस में घायल सुरेश यादव को लेकर गोरखपुर निकल गए। आपको बताते चलें कि घटना की सूचना मिलने के बाद नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही घायल सुरेश यादव के साथ गोपालगंज से पुलिस टीम को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। संवाददाता सुमेश्वर तिवारी, VSRS न्यूज, गोपालगंज।